दोस्तों नमस्कार। क्या महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, इस आईपीएल का पड़ाव, तो दोनों के बीच में कंप्रोमाइजिंग फार्मूला अपनाया गया था, जिसमें जो सीईओ हैं सीएसके के यानी चेन्नई सुपर किंग्स के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब जब ये मुकाबला हुआ गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स का, उसके बाद काशी विश्वनाथ जो है बहुत लंबे समय तक रविंद्र जडेजा के साथ देखे गए, तकरीबन 14-15 मिनट, और उसके बाद वो मैदान पर उन्हें समझा रहे थे, लेकिन वो थोड़े से एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे थे। और ये जो है 14-15 सेकंड का जो वीडियो है, हालांकि बातचीत तो उनकी 14-15 मिनट तक हुई थी, लेकिन ये 13-14 सेकंड का वीडियो जो है बहुत वायरल हो गया, जिस पर फैंस जो है अलग अलग तरह से चर्चा करने लगे। और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में। रविंद्र जडेजा और रिबाबा जो उनकी पत्नी है, इन्होंने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, कर्मा ट्वीट नाम से, और दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मैच खेला गया था, उसके बाद धोनी ने जडेजा के साथ एनिमेटेड चैट के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था। इसके तुरंत बाद इन्होंने भी ये पोस्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि धोनी के किसी पोस्ट का जवाब दिया जा रहा है जडेजा द्वारा। तो अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और जडेजा के फैंस जो हैं वो अपने आप को ये सोचकर दिलासा दे रहे हैं कि पूरे मैच में तो जडेजा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन रिफ थी, एक बहुत बड़ा तबका यह भी मानता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और धोनी और काशी विश्वनाथ के साथ जो लंबी बातचीत का जो वीडियो सामने आया है, उसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस मैच में जो गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेला गया था, 22 रन की पारी और 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे, 175 रन अब तक इस आईपीएल में के इस पड़ाव में उन्होंने बनाए हैं, 15 मैचों में 19 विकेट भी हैं रविंद्र जडेजा के। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछला उनका आईपीएल था वो अच्छा नहीं गया था, और उसमें उन्होंने जो है टीम पर ना सिर्फ कप्तानी में वो थोड़े से अल्लड़ दिखाई दिए थे, बल्कि काफ़ी स्कोप दिखाई दिया था उन्हें सुधार का। लेकिन वहीं जब धोनी ने कमान संभाली तो स्थितियां काफ़ी पलट गई थी। लेकिन अब बीच में कंप्रोमाइजिंग फार्मूला हुआ, लेकिन अब भी बीच बीच में थोड़े से टकराव की स्थिति देखने को मिल जाती है। हालांकि जडेजा खुलकर सामने तो नहीं आ पाते, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि दोनों के बीच में सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।